हमें ये पता है कि हमारी बायोलॉजी 10+1 में 19 चैप्टर्स हैं एंड ये 19 चैप्टर्स फर्दर जो है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके आगे 4 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा था द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड हमने फिनिश कर लिया। अभी सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के आगे जो है फर्दर 5 सब टॉपिक्स हैं और उन 5 सब टॉपिक्स के आगे 5th वाला जो सब टॉपिक है उसके आगे 4 मिनी सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मेन टॉपिक्स किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सभी सिंगल सेल यूक्रोट्स आते हैं, मतलब यूनिसेलुलर यूक्रोटिक। यूक्रोट्स क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, और उसके अंदर सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती है सेल के अंदर। तो उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूक्रोट है, इसमें जो बाउंड्रीज हैं इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। इन प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ये किंगडम जो है लिंक बनाता है अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई। ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसका लिंक है प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई से। और यूक्रोट जो है, बींग यूक्रोट, इसमें अंदर प्रोटिस्टियन सेल बॉडी होती है जो कंटेन करती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और इसमें जो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला और सीलिया होता है, प्रोटिस्टा जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। ओके, जो उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर 5 मैंने बोला था सब टॉपिक है। फर्स्ट है क्राइसोफाइटा, सेकंड है डाइनोफ्लैजलेट्स, थर्ड है यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ है स्लाइम माउथ्स एंड फिफ्थ है प्रोटोजोआ। सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटॉम्स और डेस्मिड्स आ जाते हैं। और डेस्मिड क्या है, एक गोल्डन एल्गी है। ये क्राइसोफाइट जो है फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्लैंकटोन होते हैं, मतलब पानी के बहाव से जा सकते हैं, प्लैंकटोन होते हैं। और ज़्यादातर ये क्राइसोफाइट जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटॉम्स की अगर बात करें तो सेल वॉल जो है दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है जो एक दूसरे में फिक्स्ड होती है एज अ सॉप बॉक्स। सॉप बॉक्स आपने देखा होगा, दो जैसे सेल है आपस में फिक्स है, तो ये डायटॉम्स उसकी तरह होते हैं। और डायटॉम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे कहा जाता है, डायटॉम्स को। इनकी डायटॉम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से कवर्ड होती है, सिलिका नाम के पार्टिकल्स है उससे कवर होती है, इसलिए ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। और ये जो है सिलिका, जब डायटॉम्स मर जाते हैं तो ये हमारे ओशंस के नीचे बीनीथ द सी जो है इकट्ठे होते जाते हैं और एक डायटोमेशियस अर्थ बना देते हैं। डायटॉम्स तो मर जाते हैं बट उनके जो सिलिका पार्टिकल्स है वो नहीं मरते, तो वो इकट्ठे होते जाते हैं और एक डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म कर देते हैं। और ये जो सोइल है डायटोमेशियस अर्थ जो सोइल है ये यूज़ की जाती है क्योंकि ये ग्रिटी होती है, तो इसलिए पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद सेकंड इसके सब टॉपिक की बात करते हैं प्रोटिस्टा के, जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट जो है मेराइन होते हैं, ज़्यादातर मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के होते हैं। अकॉर्डिंग टू जो इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ये हमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के दिखाई देते हैं। और सेल वॉल जो होती है इसके अंदर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेन्स ऑन आउटर सर्फेस। सेल वॉल्स के अंदर क्या होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। और इनके अंदर ज़्यादातर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक फ्लैजिला जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा फ्लैजिला जो है ट्रांसवर्सली होता है। और ये दोनों जो है फ्लैजिला जो है दूसरा जो ट्रांसवर्सली फ्लैजिला होता है वो दो प्लेट्स के बीच में जो है फ्रो जो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, जैसे एक नाली जैसी मतलब बोल सकते हैं, उसके बीच में होता है ये, मतलब एक ट्रांसवर्सली और एक क्या है लॉन्गिट्यूडनली। ओके, उसके बाद इसमें क्या देखा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो क्या करता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट हमारे पास है गोनियोलक्स, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है जिसकी वजह से
समुंदर का कलर जो है रेड दिखाई देता है, फॉर्म रेड टाइड। इससे जो है ये जो रेड गोनियोलक्स नाम का बैक्टीरिया बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा हार्म होता है, वो मर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो सब टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट तीन सब टॉपिक्स की बात हम जो है किंगडम प्रोटिस्टा के आगे जो तीन सब टॉपिक्स के उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।